ये आपको ऐसे व्यू मिलने वाले हैं रास्ते में। एशियाई का सेकंड नंबर का जो टेलीस्कोप लगा हुआ है वो यहाँ है। कोई भी पब्लिक रोडों में चले तो बीड़ी सिगरेट ना फेंके, जिससे आग लगने की संभावना अधिक रहती है। तो बहुत ठंडा पानी आता है, पूरा नेचुरल सुविधा दिया हुआ है और ये कुमाऊं रेंज ने बहुत बढ़िया व्यवस्था की है यहाँ पे। नमस्कार दोस्तों, विक्की एंटेल वीडियोज में आपका स्वागत करता हूँ। एक बार फिर आ गया हूँ और न्यू वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ। ये तल्लीताल का एरिया है और ये देखिए सामने पाषाण देवी मंदिर है और चीना पिक, नैना पिक, और ये पीछे की तरफ देखिए काफ़ी टूरिस्ट आ गए हैं। और टेम्परेचर की बात करें, यहाँ रात भर बारिश हुई थी तो रात में काफ़ी तेज़ बारिश थी। और देखिए यहाँ पे झील का ये लेवल भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। और बताना चाहूँगा कि आज टेम्परेचर भी थोड़ा सा डाउन हुआ है। टेम्परेचर अभी इस समय यहाँ पे 9 डिग्री करीब हो रहा है। सुबह का समय है, अभी 9:30 हो रहे हैं और अभी दिन में धूप हो जा रही है तो दिन में बढ़ जा रहा है वैसे। और बादल भी आ ही रहे हैं धीरे धीरे। और इधर की तरफ दिखाएं, देखिए नौकाएं चलने लगी हैं। तो ये देखिए एक नौका एक उधर पे है, एक इधर की तरफ है। और बाकी लोग ये देखिए पीछे यहाँ पे ब्रेकफास्ट भी कर रहे हैं, कुछ लोग अपने टिफ़िन लेके आए हुए हैं, यहाँ खा रहे हैं। और दिखाता हूँ मैं, बैक कैमरे में ले चलता हूँ आपको। तो ये देखिए अभी अभी निकले हैं ये बोटिंग के लिए। और देखिए सामने बड़ी वाली बोटें दिख रही हैं, ये एनसीसी वालों की हैं तो इनका भी कुछ ना कुछ यहाँ पे ट्रेनिंग चलते रहता है। और जैसे बचपन में हम लोग भी यहाँ स्विमिंग सीखते थे, ये तो यहाँ पे एनसीसी वाले सर रहते हैं, वो सिखाते हैं, ट्रेनिंग कराते हैं। और देखिए झील का नज़ारा कितना बढ़िया लग रहा है अभी इस समय। धूप खिली है और हवाएँ काफ़ी तेज़ हैं और रात के बारिश से उससे टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो गया है, पर बढ़िया है। लोग स्वेटर पहने हुए हैं और दिन में धूप हो जा रही है, अब शाम तक देखते हैं कैसा रहता है मौसम। और देखिए सामने और भी रेडी हो गए हैं। और देखिए यहाँ पे तो ये बीर जी लोग आए होंगे पंजाब से कहीं से, तो यहीं आके अपना टिफ़िन के साथ लगे पड़े हैं, खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं हवा के साथ में। बहुत बढ़िया नज़ारा हो रहा है। और ले चलता हूँ मैं, ये सामने रोड दिखाता हूँ आपको। देखिए ट्रैफिक की बात करें, यहाँ पे ट्रैफिक अभी कमी है, सुबह सुबह में कम होता है, अभी शाम में बढ़ जाएगा। तो शाम को आप लोग यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे दिन से बढ़ जाता है, 12-1 बजे से यहाँ पे ट्रैफिक बढ़ जाता है। तो दोस्तों आज निकल रहा हूँ मैं हल्द्वानी की तरफ, और हल्द्वानी में TVS शोरूम में जाना है और वहाँ सर्विस करानी है। तो ले चलता हूँ, रास्ते का थोड़ा बहुत दिखाता हूँ आपको। ऐसे ही बने रहिए, आज का वीडियो में ऐसी रहेगा ट्रैवलिंग का, तो ट्रैवलिंग वीडियो है आज। और स्कूटी से निकल रहे हैं, दिखाता हूँ रास्ते में क्या क्या मिलता है, क्या क्या देखने को मिलता है। तो जो जो होगा, जहाँ तक कोशिश करूँगा कि अच्छे से अच्छा आपको दिखाऊँ, वैसे ही वीडियो में आप लोग बने रहिए। तो ले चलता हूँ बैक कैमरे से, और बैक कैमरे से ही पूरा कुछ सब कुछ दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये सामने देख रहे हैं, यहाँ पे बस स्टैंड था पुराना, और नीचे की तरफ न्यू वाला नीचे की तरफ है लेफ्ट में हल्द्वानी रोड में। और इधर की तरफ कैमरा घुमाया जाए, देखिए सामने गांधी जी की मूर्ति है और नैना पिक का नज़ारा, चाइना पिक, नैना पिक। देखिए गांधी जी की यहाँ पे मेन मूर्ति है और इसको डांट बोला जाता है, तल्लीताल डांट। तो तल्लीताल मल्लीताल कुमाऊनी लैंग्वेज में नीचे ऊपर को बोला जाता है। और बाकी देखिए नैनीताल इंटर होते ही आपको झील का नज़ारा मिलता है, तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आके। और ले चलता हूँ मैं नीचे की तरफ। तो दोस्तों आ गया हूँ मैं नीचे की तरफ, ये न्यू बस स्टैंड है यहाँ का, और यहाँ से बसें मिलती हैं देखिए यहाँ पर, तो हल्द्वानी के लिए लगी हैं, ये भी जा रही है देखिए। तो यहाँ पे देहरादून हल्द्वानी दिल्ली के लिए यहाँ से आपको बसेस मिल जाती हैं। और बाकी सामने ये कैंची धाम का रास्ता है, तो ये भवाली रोड है, भीमताल वगैरह भी आप यहीं से मुक्तेश्वर कौसानी की तरफ यहाँ से जा सकते हैं। और ये गई हल्द्वानी की तरफ, तो ले चलता हूँ मैं हल्द्वानी की तरफ, आपको दिखाता हूँ। तो जैसे ही नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर वैष्णो देवी मंदिर है, तो यहाँ पर माता रानी का बहुत बढ़िया यहाँ पर मंदिर है, यहाँ पर दर्शन करिए। रास्ते में ही पड़ने वाला है हल्द्वानी रोड में, आते जाते कर सकते हैं। और आगे ले चलता हूँ मैं, हनुमानगढ़ है वो, वहाँ पे दिखाता हूँ मैं हनुमानगढ़ का रास्ता, और फिर निकलते हैं नीचे की तरफ। तो जैसे ही नीचे को आते हैं हल्द्वानी रोड से, तो यहाँ पे सिर का धारा है, स्रोत का पानी भी बोलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर पानी आता है और यहाँ के लोकल वाले यहाँ पर आके तो ये पानी को भरते हैं, और मेन स्रोत माना जाता है ये पूरे नैनीताल का। देखिए ऊपर में पूरी पहाड़ी है, और पहाड़ी के अंदर से पता नहीं कहाँ से आ रहा है, देखिए पूरा जड़ी बूटियों से टकराते हुए नेचुरल पानी है, और ये बहुत बढ़िया रहता है। तो कभी ट्राई करिए आप लोग भी नैनीताल आते हैं।
तो ये रही नैनीताल रोड, देखिए मैं नीचे की तरफ आ गया हूँ और हनुमानगढ़ के रास्ते में हूँ। देखिए ये व्यू, यहाँ पे व्यू भी बहुत बढ़िया मिलता है, तो यहाँ पे फोटोग्राफी का बहुत बढ़िया। ये देखिए यहाँ पे हनुमानगढ़ी लिखा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है, और ले चल रहा हूँ मैं आपको इधर के रास्ते में। तो ये रास्ता दिखा रहा हूँ मैं सामने, देखिए ये बोर्ड लगे हुए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, शीतला माता मंदिर भी है ऊपर में, और यहाँ से हनुमानगढ़ के दर्शन जरूर करिए कभी आते जाते। और ये देखिए मेन रोड है, और यहाँ से देखिए जोलीकोट लिखा हुआ है, दिल्ली लिखा हुआ है, हल्द्वानी लिखा हुआ है, तो बहुत बढ़िया। अब मैं ले चल रहा हूँ नीचे की तरफ, आपको मेन मेन जगह दिखाने वाला हूँ आज। तो मेन मेन जगह जो आती है, सबसे पहले यहाँ पे बल्दिया खान आती है, वो दिखाता हूँ। बल्दिया खान के बाद फिर जोलीकोट आता है, और जोलीकोट के बाद फिर आता है दो गाँव, और दो गाँव के बाद भुजिया घाट, और उसके बाद काठगोदाम, और उसके बाद हल्द्वानी। तो और हल्द्वानी जाके शोरूम में जाके मैं वीडियो को एंड करूँगा, और तब तक का जो भी रास्ते में रहता है मैं दिखाता हूँ आपको, बताता हूँ आपको, बढ़िया जानकारी मिले ताकि आप लोगों को कहीं पे दिक्कत ना हो। और आप लोग पूरी वीडियो देखिए, क्योंकि पूरी वीडियो देखने से ये होता है कि सारी जानकारी आपको मिल जाती है, जिससे आपकी नैनीताल में आना और सब कुछ आपको आसानी से हो जाता है। सारी वीडियो आप पूरा वॉच करिए, बढ़िया करके देखिए, आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो मैं लाऊँगा। कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं कि वीडियो बना नहीं पाता हूँ मैं रास्ते, कभी कभी तबीयत ख़राब हो गई इस बीच में, तो काफ़ी दिक्कत रही, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और आगे से और अच्छी अच्छी वीडियो मैं लाते रहूँगा आपको, और आप लोग देखेंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा, और अच्छी वीडियो बनाऊँगा मैं, कोशिश करूँगा बहुत बढ़िया बनाऊँ आप लोगों के लिए। तो ऐसे ही बने रहिए आप लोग। तो थोड़ा सा नीचे आ गया हूँ दोस्तों, और सामने ये देखिए यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, तो एरिज बोलते हैं यहाँ पे, और मनोरा गांव बोलते हैं। आगे ये देखिए यहाँ पे एशियाई का सेकंड नंबर का जो टेलीस्कोप लगा हुआ है वो यहाँ है, चांद सितारे देख सकते हैं आप शाम के समय में यहाँ पे। तो यहाँ भी जा सकते हैं आप नैनीताल टूर में। और नीचे की तरफ देखा जाए तो यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए रेलवे स्टेशन काठगोदाम है, और पंतनगर हवाई अड्डा है, देखिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो नैनीताल से इतने किलोमीटर में है। तो ले चलता हूँ नीचे की तरफ। तो दोस्तों पहुँच गया हूँ मैं यहाँ पे, रूसी बाईपास का रास्ता है ये, और यहाँ से आप काला ढूंगी दिल्ली की तरफ निकल सकते हैं, या फिर उधर काला ढूंगी से आते हैं तो यहाँ से भी आप आ सकते हैं। और बताना चाहूँगा, एक जानकारी देता हूँ मैं आपको, आने वाला जो सीज़न है तो सीज़न में यहाँ पे ही रोक दिया जाएगा आपको। अगर नैनीताल की बुकिंग आपकी है होटल्स की, तो आप लोग सीधे डायरेक्टली जा सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे रोक दिया जाएगा आपको। और यहाँ पे पार्किंग करने के बाद आपको शटल में ले जाया जाएगा, यहाँ पे शटल सेवा का यहाँ पे सुविधा दिया हुआ है, और ये कुमाऊँ रेंज ने बहुत बढ़िया व्यवस्था की है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जगह जगह ड्यूटी लगती है यहाँ पर, और यहाँ पर रोक दिया जाता है, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दें आप नैनीताल आते हैं। बाकी देखिए ये बस जा रही है, तो यहाँ की लोकल उत्तराखंड गवर्नमेंट की बस है ये, और इसमें 90 रुपीज़ करीब का टिकट है। आप लोग हल्द्वानी बस स्टैंड से आ सकते हैं, जो कि अभी मैंने दिखाया था आपको नैनीताल वाला, तो हो सकेगा तो हल्द्वानी का भी दिखाऊंगा आपको मैं। तो दोस्तों बल्लिया खान के पास पहुँच गया हूँ, और यहाँ पर एक न्यू रेस्टोरेंट दिखाया है मुझे, और यहाँ पर आप लोग चाय पानी पकौड़ी ले सकते हैं, मैगी वगैरह। तो माँ नैना देवी रेस्टोरेंट है ये, माँ नैना रेस्टोरेंट। तो ले चलता हूँ मैं आगे की तरफ। तो थोड़ा आगे आके देखिए ऊपर में ये कैंप वगैरह भी खुल गया है, और काफ़ी होम स्टे टाइप भी यहाँ पे बने हुए हैं, तो आप लोग यहाँ रह सकते हैं। तो ये मेन बल्दिया खान है, और देखिए बल्दिया खान में यहाँ पे चाय पकौड़े की दुकान है, मैगी वगैरह आप लोग ले सकते हैं यहाँ पर, तो बहुत बेस्ट मिलने वाला है यहाँ पर आपको। और ये देखिए सामने बोर्ड लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे जगह जगह पत्ते झड़ रहे हैं, तो ये पत्ते सूख जा रहे हैं, तो यहाँ पे ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने यहाँ पे बहुत बढ़िया व्यवस्था करी है। देखिए आग बुझा रहे हैं, और जगह जगह ये जो सूखे पत्ते हैं इनको जला रहे हैं, तो कृपया करके आप लोग स्मोक करते हैं तो यहाँ पे तिल्लियाँ ना डालें। दोस्तों यहाँ पे सर जिनकी ड्यूटी लगी है यहाँ पे हैं, और ये बताएंगे यहाँ के बारे में, तो बताइएगा। मैं ग्रामवासियों या कोई भी पब्लिक रोडों में चले तो बीड़ी सिगरेट ना फेंके, जिससे आग लगने की संभावना अधिक रहती है, इसलिए हर वाहन चालकों से भी हम कहते रहते हैं कि बीड़ी सिगरेट ना पिए गाड़ियों पे। और हमारे जो टीम है रोड साइड में सफाई कर रही है, क्योंकि बीड़ी सिगरेट
सिगरेट की आग जल्दी लगती है, बीड़ी की तो लगती नहीं है, उतने बीड़ी बुझ जाती है, सिगरेट की आग जो है धीरे धीरे सुलगाते रहती है आग को, इसलिए हमारे जंगल फूक जाते हैं। तो हम जो भी राहगीर आता है उससे भी कहते हैं कि बीड़ी सिगरेट ना पिया जाए रोड साइड पर। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छी बात बताई। तो दोस्तों ऐसे ही आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, और देखिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो जगह जगह आप लोग सिगरेट बीड़ी ना फेंकिए कहीं पे, और माचिस की तिल्ली ना फेंकिए, क्योंकि जगह जगह पत्ते सूखे हैं, ये जल जाते हैं और फिर जंगलों में आग लगती है, जानवरों को काफी नुकसान होता है, पेड़ पौधों को, यहाँ के पर्यावरण को और यहाँ पे नेचर को काफी खिलवाड़ होता है। तो ऐसा कृपया करके ना करें, और कूड़ा भी जगह जगह ना डालें, क्योंकि यहाँ पे कूड़ा भी काफी हो जा रहा है रास्ते में। तो अपने डस्टबिन बना लें या अपने बैग में ही रखें गाड़ी में। जोलीकोट से पहले, और देखिए यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, तो कैंची धाम के लिए आप यहाँ से जा सकते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ से कौसानी, रानीखेत, अल्मोड़ा, कहीं भी जाना है आपने, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो काफी लंबा रूट है ये, जागेश्वर धाम की भी जा सकते हैं आप। तो देखिए मेन है ये रानीखेत होते हुए आप केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, चारों धाम के लिए आप यहाँ से जा सकते हैं। तो दोस्तों जोलीकोट के बाद यहाँ पे पहुँच गया हूँ मैं यहाँ पे नीचे की तरफ। तो यहाँ पे चाय पकौड़ी ले सकते हैं आप, और देखिए यहाँ पे धारा है तो बहुत ठंडा पानी आता है, पूरा नेचुरल, और यहाँ पे ले सकते हैं आप। तो दोस्तों पहुँच गया हूँ मैं यहाँ पे दो गांव में, और देखिए इधर की तरफ भी दुकानें हैं और इधर की तरफ भी रेस्टोरेंट हैं, दुकानें हैं, और यहाँ पे चाय पकौड़ी का काफ़ी फेमस है। तो यहाँ पे चाय पकौड़ी लेके, और यहाँ पे नींबू पानी भी ले सकते हैं, जूस वगैरह भी ले सकते हैं। तो बहुत बढ़िया यहाँ पे खाने पीने का है। तो दो गांव में ज़रूर रुक के जाइए, यहाँ पे मौसम भी, वेदर भी बहुत बढ़िया है। देखिए यहाँ पे भी लंच कर सकते हैं आप लोग, तो ये बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट है। और देखिए नींबू पानी, यहाँ पे जूस वगैरह है, और ये देखिए पुरानी वाली दुकान, ये देखिए काफ़ी बेस्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे रुक के जाइएगा। तो ये भुजिया घाट पहुँच गया हूँ, और देखिए यहाँ पे भी चाय पकौड़ी का है, तो यहाँ भी चाय ले सकते हैं आप। और इधर यहाँ पे नेचुरल धारा भी है, तो पानी आते रहता है यहाँ पे 12 महीने ये सामने। दोस्तों फाइनली पहुँच गया हूँ हल्द्वानी, ये TVS का शोरूम है यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे होटल भी है, काफ़ी बड़ा होटल है यहाँ पे, तो आप लोग यहाँ ठहर सकते हैं हल्द्वानी अगर आते हैं आप। तो ले चलता हूँ मार्केट की तरफ, दिखाता हूँ थोड़ा बहुत। तो ये मंगल पड़ाव के पास आ गया हूँ, और यहाँ पे देखिए फ्रूट की मार्केट है अंदर की तरफ लेफ्ट में, और यहाँ गन्ने का जूस पीते हैं फिर निकलते हैं। तो बहुत बढ़िया यहाँ पे गन्ने का जूस है। तो दोस्तों फाइनली ये हल्द्वानी बस अड्डे पहुँच गया हूँ, ये बस स्टैंड है, देखिए बस आ गई है, और ये अंदर की तरफ है, यहाँ से आप लोग बसेस में जा सकते हैं नैनीताल। तो अब ले चलता हूँ मैं आगे की तरफ। तो पहुँच गया हूँ यहाँ पे, फ्लैग लगा हुआ है इंडिया का, जय हिंद, कितना बढ़िया लहरा रहा है देखिए। और यहाँ पे आर्मी के टैंक वगैरह रखे हैं जो कारगिल की लड़ाई में यूज हुए थे, और देखिए कितना बढ़िया यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखिए देखिए चौड़ी चौड़ी सड़कें हो गई हैं, और कितना बढ़िया यहाँ पे देखिए ट्रैफिक कंट्रोल है हल्द्वानी में, बहुत बढ़िया हो रहा है यहाँ पे। इसी के साथ दोस्तों वीडियो एंड करते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और शेयर करना ना भूलिए दोस्तों में। और मिलते हैं कोई और अच्छी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।